हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फॉग इसका प्रॉब्लम है एक बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। इसमें क्या है कि हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है और उस बाइनरी स्ट्रिंग को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है, इसको हमें क्या करना था डेसिमल नंबर में। अगर हम इसको डेसिमल में नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 5, 10, 10 2 20, 21। ये इसका आंसर आएगा 21। 21 हमें रिटर्न करना। बेसिकली सबसे पहले हम ये देखते हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसको हम 2 की पावर 0 समझते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो और जैसे ये ही है हमें लिखना हुआ उसको डेसिमल में, तो हम क्या लिखते हैं ये वाला कैरेक्टर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो आप ध्यान से देखना, जैसे ये 2 की पावर 1 × 0 है तो ये हमेशा 0 ही आएगा, और जैसे 2 की पावर 3 × 0 है तो ये हमेशा 0 आएगा। तो ये हमारे आंसर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, सिर्फ जहां जहां सेट बिट होता है वही हमें कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर इसको हम देखें कितना 2 पावर 0 कितना होता है 1, तो ये 1 × 1 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 × 1 4 प्लस 2 0 हो जाएगा, प्लस 2 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। अब देखिए, अब इसे हम लोग कोड में कैसे करते हैं। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो बाइनरी स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले यहां पे हमने इसकी लेंथ फाइंड कर ली, कितनी लेंथ की है। ठीक, अब यहां पे हमने एक सम नाम का वेरिएबल बना लिया जो कि हमें सम रिटर्न करके देगा, ये और यही मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा i = n-1। i = n-1 मतलब कि मैं ये वाला इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n-1, क्योंकि अगर इसकी पूरी लेंथ n है तो 0 से इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये n-1 होगा, और हम ये तब तक चलाएंगे जब तक कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है i-। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ith कैरेक्टर है वो 0 तो नहीं है, अगर 0 होगा तो हमारे ऐसे में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये इसका क्या मतलब है कि इसका ये वाला जो ith कैरेक्टर है वो 1 है। जब 1 होगा तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर n-1 -i। जैसे कि इसके लिए हमें क्या लिखना था, 2 की पावर 0। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 की पावर n-1 n-1। अभी इसमें स्टार्टिंग में i की वैल्यू कितनी होगी, n-1 होगी, n-1 i। और ये हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे लास्ट में हम सबको रिटर्न कर देंगे। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।